नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। राम मंदिर में उत्सव का माहौल है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव ने नए विवाद को जन्म दिया है। उन्होंने स्वामी मौर्य की बात को दोहराते हुए कार सेवकों पर चली गोली को जायज ठहराया है। आपको दिखाते हैं इसे पर एक रिपोर्ट। राम की नगरी सज चुकी है, सुरक्षा में जमीन और आसमान से नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं। इस सब के बीच एक बार फिर अयोध्या गोलीकांड का जिक्र हो रहा है और स्वामी मौर्य के बाद शिवपाल यादव ने भी इसे जायज ठहरा दिया है। शिवपाल यादव ने कहा, संविधान की रक्षा के लिए गोली चलवानी पड़ी, अयोध्या में स्टे के बावजूद हिंसा हुई थी। राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कर कायम करने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, ये तो झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के, केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ था, संविधान की रक्षा हुई थी। जब जत्री वहां पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखने थी। ये बयान उस समय आया है जब राम मंदिर पर विपक्ष की तरफ से सियासत हो रही है, न्योते पर सवाल खड़े हो रहे हैं, न्योता मिलने पर ठुकराया जा रहा है, लेकिन कुछ नेता अब भी गोलीकांड पर सफाई दे रहे हैं। सपा नेता शिवपाल यादव ने जब अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चली थी, उस घटना का जिक्र करते हुए एक बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अयोध्या में स्टे के बावजूद बीजेपी के कार्यकर्ता हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में जो उस समय की परिस्थितियां थी उस दौरान गोलियां चलानी पड़ी। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर शिवपाल यादव, सबके सुर एक जैसे हैं। राममय माहौल के बीच सफाई दी जा रही है और बताया जा रहा है जो हुआ था अच्छा हुआ था, लेकिन 1990 में अयोध्या में क्या हुआ था ये भी समझिए। 1990 में अयोध्या में हिंदू साधु संत अयोध्या कूच कर रहे थे, प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था, श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई थी, फिर कार सेवकों पर गोलियां चलने लगी। उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, इसलिए अब समाजवादी पार्टी की तरफ से इस घटना पर सफाई दी जा रही है। हालांकि दो दिन पहले ही सीएम योगी ने खुद कहा था, ये नई अयोध्या है, यहाँ अब गोली नहीं चलती बल्कि लड्डू बंटते हैं। अब अयोध्या में कर्फ्यू नहीं लगेगा, राम नाम संकीर्तन होंगे। अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चलाएगा, अब तो अयोध्या में हर्षोल्लास के, दीपोत्सव के कार्यक्रम के, श्री राम ज्योति के साथ जगमगाता हुआ नया अयोध्या हम सबको देखने को मिल रहा है। यानी एक तरफ गोलीकांड को जायज ठहराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अयोध्या से राम उत्सव का संदेश दिया जा रहा है और फर्क बताया जा रहा है तब की और अब की सरकार में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अखिलेश का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले दारा सिंह को बड़ा गिफ्ट मिला है। बीजेपी ने दारा सिंह को एमएलसी प्रत्याशी बनाया और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में अति पिछड़ी जाति से आने वाले दारा सिंह पर बीजेपी ने क्यों बड़ा दांव खेला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। ओपी राजभर से पहले दारा सिंह चौहान को बीजेपी से तोहफा मिला है। ये वही दारा सिंह चौहान हैं जो अखिलेश का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्हें इससे पहले भी घोसी उपचुनाव में मौका मिला, लेकिन वो अपनी ही सीट गंवा बैठे। ऐसे में मंत्रिमंडल में शामिल होने से पहले बीजेपी ने दारा सिंह को एमएलसी का टिकट दे दिया है।
जो भरोसा किया है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, माननीय भूपेन्द्र चौधरी जी, दोनों डिप्टी सीएम और हमारे एनडीए के घटक दल के जो भी नेता माननीय आशीष पटेल जी, संजय निषाद जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उस नामांकन में शामिल होकर के ये संदेश दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने जो संकल्प लिया है 400 के पार आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में इस प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बना करके हम अपने संकल्प को पूरा करेंगे। विधानसभा में बीजेपी के बहुमत को देखते हुए दारा सिंह चौहान का एमएलसी बनना तय भी है और ये तस्वीर भी इस बात की गवाही दे रही है जब दारा सिंह के नामांकन में सीएम योगी से लेकर बड़े बड़े नेता शामिल हुए। नामांकन के बाद दारा सिंह चौहान ने कहा, बीजेपी ने पिछड़े समाज पर जो भरोसा किया है उस बुनियाद पर कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने का काम करेंगे। पूर्वांचल का एक भी जिला नहीं होगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जहाँ से मैं नाम के जिले का लूँ, हर लोग, कोई जिला छूटेगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। अभी सुल्तानपुर से कहीं को छोड़ दिए हैं, रायबरेली वाले बारामुंकेल कहीं को छोड़ दिए, यहाँ पूरे पूर्वांचल के लोग, पूरे प्रदेश के समाज के और समाज के भी लोग हैं। और मैं तो कल इतना ही कहूंगा कि जिस तरीके से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, खास करके माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृहमंत्री, माननीय नड्डा जी ने विश्वास किया है पिछड़े समाज पर। दारा को एमएलसी बनाने और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में उनका मंत्री बनना भी तय माना जा रहा है। दारा पिछली योगी सरकार में बीजेपी में थे और मंत्री भी बनाए गए। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दारा सिंह बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे। ऐसे में एक बार फिर वापसी के बाद दारा को एमएलसी बनाकर बीजेपी की कोशिश समाजवादी पार्टी की रणनीति को कुंद करने की है। अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स के जवाब में बीजेपी दारा कार्ड खेल चुकी है। पूर्वांचल में अति पिछड़े वोटों की लामबंदी, आजमगढ़, जौनपुर, घोसी में पकड़ मजबूत होगी, यहाँ की बिरादरी के चेहरों को जोड़ने की कोशिश। दारा अति पिछड़ी लोनिया चौहान बिरादरी से है। पूर्वांचल के कई जिलों में अति पिछड़ी जाति अहम, यानी पूर्वांचल में पार्टी को और मजबूती देने के लिए बीजेपी अब दारा सिंह और राजभर के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। कुछ ऐसा ही संकेत अब अरुण राजभर भी दे रहे हैं। अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक पिछले वर्ग के नेता को उस एमएलसी की सीट पर नामित करने का प्रयास किया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, दारा सिंह चौहान जी को भी बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने जो पिछड़े वर्गों के लिए लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है, अब मुझे लगता है कि एनडीए के साथ वो लड़ाई और मजबूत होगी और उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोग इकट्ठा होकर के एनडीए का साथ देंगे। यानी अखिलेश की पीडीए वाली रणनीति को चुनौती देने के लिए कभी उन्हीं के साथ ही रहे दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के विजय रथ पर सवार हो चुके हैं और दलित ओबीसी वोट बैंक को जोड़ने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, जिससे पूर्वांचल का किला और मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर आई। 2023-24 के लिए गन्ना मूल्य बढ़ाए जा चुके हैं। मूल्य की अच्छी ब्रीड पर 370 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मूल्य मिलेगा। तो वहीं योगी सरकार ने बीते 7 सालों में गन्ने के मूल्य में कुल 55 रुपए की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 3 बार में की गई है। इस फैसले से गन्ना किसानों में खुशी है। क्विंटल गन्ने का भाव तय किया है, इससे उत्तर प्रदेश के किसानों को 2,200 करोड़ रुपए उनके सीधे खाते में जाएगा। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी उनके पूरे कार्यकाल में 25 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़े। हमारी सरकार ने पिछले 6 साल के कार्यकाल में 55 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव बढ़ाया है और इसका ही नतीजा है कि पहले 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता था, आज 29 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता है। बिल्कुल भी खुश नहीं, 20 रुपए से हम कुछ भी नहीं है। तो जब लागत सरकारी जो इन्होंने कमेटी गठित कर रखी, वो 400 रुपए
बता रही लागत 399 रुपए और ये दे रहे 370 का भाव, तो मतलब झूठ पागली मान ले लोगों को। अब नहीं, अब तो मीडिया सब सामने दिखाता है जनता को, अगर 40 रुपए बढ़ा देते हैं तो कुछ सोच भी लेते। पिछले साल भी गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा था, इस साल लोगों को उम्मीद थी, किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि चुनाव है अगले साल और रेट बढ़ाए जाएंगे ठीक ठाक, लेकिन 20 रुपए कुंटल बढ़ाकर तो सर किसानों को मतलब एक मजाक जैसे ऊंट के मुंह में जीरा हो ना ऐसा, वो काम कर दिया सरकार ने। सरकार ने जो पैसे बढ़ाए या ठीक नहीं बढ़ाए, सरकार इस पे दोबारा विचार करे और किसान को जायज पैसा उसकी कीमत का दे। सरकार को सोचना चाहिए कि बराबर के भाव पड़ोस जैसा पड़ोस में प्रदेश में है ऐसा हमारे प्रदेश में भी होना चाहिए। गन्ने का भाव कम से कम 400 रुपये क्विंटल तो होना ही चाहिए। किसान जो है बहुत बेहाल है, परेशान है, किसानों के जो है बिजली के बिल भी नहीं जमा हो पाते, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते। यूपी सरकार ने गन्ने के दाम में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। अब प्रदेश में गन्ने का रेट 370 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। गन्ना मूल्य वृद्धि पर बागपत के किसानों ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि योगी सरकार ने ये अच्छा फैसला लिया है। योगी सरकार ने गन्ना मूल्य में 20 रुपए की वृद्धि कर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। हम बागपत में मौजूद हैं और किसानों से बात करने के लिए कि इस पर किसानों का क्या रिएक्शन है, कितना बड़ा लाभ इसका मिलेगा, इस पर बात करने के लिए हम एक गन्ना खेत में आ पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जो है किसान खेती बाड़ी का कार्य कर रहे हैं, गन्ना छिलाई का काम यहाँ चल रहा है। आज योगी कैबिनेट में जो है 20 रुपए गन्ना मूल्य वृद्धि की गई है, जिसके बाद जो गन्ने का रेट है वो 370 रुपए हो गया है। पिछले कई सालों से गन्ना मूल्य वृद्धि की जो है मांग उठ रही थी कि गन्ना मूल्य वृद्धि सरकार करे, उसी को देखते हुए आज सरकार ने जो है फैसला लिया है और एक साथ 20 रुपए जो है गन्ने के बढ़ाए हैं। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान हैं, किसानों से बात करते हैं, कितना बड़ा फैसला क्या कहेंगे भाई? मैं विक्रम राणा, मैं ये बहुत बड़ा फैसला है जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, इसलिए भाजपा सरकार बधाई की पात्र है। जब ये एक मन में था कि भाई तो कोई भाव नहीं बढ़ रहा, एक आम भावना थी, उस वक्त 20 रुपए की बढ़ोतरी करना किसानों के लिए बहुत बड़ा काम है और इसके लिए हम तहे दिल से मोदी सरकार जी और योगी सरकार को धन्यवाद देते हैं। किसानों को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा काम होगा, जो 20 रुपए गन्ना मूल्य वृद्धि हुई है इसको लेकर योगी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। सयाद राव, न्यूज 18, बागपत। और प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी आज की बड़ी खबर, मोदी सरकार ने हाफ डे का ऐलान किया है। 22 जनवरी यानी उस दिन उस तारीख को जब रामलला विराजमान होंगे, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन केंद्रीय कर्मचारियों को भी हाफ डे लीव मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी मिलेगी, ये बड़ा ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया और इसी के साथ पीएम ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक भी जारी की। 48 पेज की यह किताब जिसमें 20 देशों के टिकट हैं। पीएम मोदी ने कुल 6 डाक टिकट जारी किए हैं। इनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केटवराज और माँ शबरी का मंदिर शामिल है। ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथ का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनिएचर फॉर्म होता है। आज जो ये स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं, उनसे हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। मैं अभी देख रहा था कि इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है, कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगल हारी इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है। इनमें
सूर्यवंशी राम के प्रतीक सूर्य की छवि है जो देश में नए प्रकाश का संदेश भी देता है। इनमें पुण्य नदी सरयू का चित्र भी है जो राम के आशीर्वाद से देश को सदैव गतिमान रहने का संकेत करते हैं। मंदिर के आंतरिक वास्तु के सौंदर्य को बड़ी बारीकी से इन डाक टिकटों पर प्रिंट किया गया है। मुझे बताया गया है कि एक प्रकार से पंच तत्व की हमारी जो फिलॉसफी है इसका एक मिनिएचर रूप प्रभु राम के माध्यम से दर्शाया गया है।